हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? आज आपको ये जो पिक्चर में सुंदर सी जगह दिख रही है ना, इसको हम कॉर्ग बोलते हैं और आज हमारा चैप्टर इसी के ऊपर है, ठीक है? ये ग्लिम्स ऑफ इंडिया का दूसरा वाला पार्ट है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आपने एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम की लिंक दी है, उसको ज़रूर से भी ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट स्टफ पोस्ट करती रहती हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है? एंड दूसरा, आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्लेलिस्ट की लिंक भी वहीं पर मिल जाएगी, तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है? सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने कॉर्ग वाले चैप्टर को। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा है। तो इसमें हम बिल्कुल कॉर्ग के बारे में बात करने वाले हैं। कॉर्ग जो है ना, वो मैंगलोर के कोस्टल टाउन और मैसूर के कोस्टल टाउन के बीच में लाए करता है, और ये एक जगह है जो कि कर्नाटका में है। इतनी ज़्यादा सुंदर जगह है ना, जैसे मानो बिल्कुल स्वर्गीय हो, और ये किंगडम ऑफ गॉड से ये वाली जगह जो है वो आई हो, ठीक है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मैन है, ब्यूटीफुल वुमेन है, और बहुत सारे वाइल्ड क्रिएचर्स भी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है? कॉर्ग या फिर कोडागू बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, और ये कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर बहुत सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब ऐसे फॉरेस्ट जो पूरे साल खिले खिले से रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मसाले हैं, कॉफ़ी की प्लांटेशन होती है, बहुत सारे जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं बिटवीन सेप्टेम्बर एंड मार्च। ये बढ़िया जगह है यहाँ पर घूमने के लिए। वेदर जो है वो बढ़िया रहता है इस टाइम पे, और इसकी हवाओं में, इस छोटी सी डिस्ट्रिक्ट की हवाओं में कॉफ़ी की खुशबू हमें सूंघने को मिलती है, ठीक। अब कौर के लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअल में कौर के जो लोग हैं ना, वो ग्रीक या फिर अरेबिक डिसेंट के हैं, मतलब कि जो एलेक्जेंडर द ग्रेट थे ना, उनकी क्या हुआ, एक बार उनकी जो आर्मी है वो आई और वो इंडिया से गुजर रहे थे, तो उन्होंने इंडिया में थोड़ा टाइम बिताना चाहा कि चलो थोड़ा टाइम यहाँ पे रुकते हैं, उसके बाद निकल पड़ेंगे अपनी जगह पर, ठीक है? तो क्या हुआ, एलेक्जेंडर की जो आर्मी वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रहने लग गई थी कर्नाटका की कौर की डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? लेकिन उनका वापस लौटना, जो जहाँ पर वो जा रहे थे वहाँ पर वो लौट ना पाए, वो इम्प्रैक्टिकल हो गया। तो जो लोग थे एलेक्जेंडर की आर्मी के, वो वहीं पे बस गए थे, उन्होंने वहाँ के लोकल्स के साथ शादी कर ली थी, इसलिए उनका जो कल्चर था एलेक्जेंडर की आर्मी का, वो उस कौर के एरिया में मिक्स हो गया था। उनके जो कल्चर्स था वो सारी जगह देखने को मिल रहा था हमें, मार्शल ट्रेडिशन, मैरिज और रिलीजियस साइट्स पे, ठीक है? और जैसे अरब के लोग होते हैं, वो एक लंबा सा कोट नहीं पहना करते, वैसा ही वो ब्लैक कलर का कोट वहाँ कौर के लोग पहनते हैं, ठीक है? कोडाबूज, जो कौर के लोग होते हैं उनको कोडाबूज बोलते हैं या फिर कौरवी भी बोलते हैं, ठीक है? तो कौर के जो लोग हैं वो लंबा सा ब्लैक कलर का कोट पहने रखते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो इन अंकल को। एंड ये जो है लंबा सा कोट ब्लैक कलर का, इसको हम कुपिया कहते हैं, ठीक है? और इट वॉज लाइक द कोफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड कुर्ड्स। ये बिल्कुल कोट बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे कि अरब के लोग नहीं पहना करते थे, और कुर्ड्स जो होते थे वो भी ऐसा ही कोट पहना करते। तो इसलिए हमें पता चलता है कि कौर के जो कुछ लोग हैं ना, वो उनका अरब से नाता है, ठीक है? अरब के डिसेंडेंट है वो, ठीक है? और जो कोरगी के घर थे वो बिल्कुल हॉस्पिटैलिटी के ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, मतलब उनके घर पे जो भी आता वो उनकी खूब ज़्यादा देखभाल करते थे, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते थे, ठीक है? जो कौर के लोग हैं वो अपनी बहादुरी के किस्से से जाने जाते हैं। जो कौर का रेजिमेंट है ना, जो बटालियन है आर्मी में कौर का, वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जो जनरल कैरियप्पा थे फर्स्ट आर्मी चीफ, वो भी कौरगी के थे, ठीक है? एंड जो कोडावूज हैं वो ही, उनको ही सिर्फ इंडिया में अलाव है, वो ही ऐसे लोग हैं कोडावूज जिनको बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स या फिर बंदूक वगैरह रखने की इजाज़त है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव लोग हैं, ठीक है? अच्छा, इट्स वाइल्ड लाइफ। अब कौर की वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। जो रिवर कावेरी है उसको पानी कहाँ से मिलता है? कौर के फॉरेस्ट और हिल्स से, ठीक है? और जो महासीर है, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश है, वो यहीं के पानी में हमें देखने को मिलती है। किंग फिशर, स्क्विरल्स, लंगूर भी इन्हीं पानी की जगह के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। जो बर्ड्स हैं, बीज हैं, बटरफ्लाई हैं, वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे टहलती रहती हैं। और एलिमेंट्स जो है, एलिफेंट्स जो है, वो यहाँ पर नहाते रहते हैं अपने
ट्रेनी के साथ, ठीक है, जो आपने देखा होगा एलिफेंट्स के साथ एक अंकल रहते हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं, मोहॉट्स, ठीक है, तो वो उनके साथ वहाँ पे जाके स्नान वगैरह कर लेते हैं। एंड इसका लैंडस्केप बताती हूँ मैं कौर का, जो ब्रह्मगिरी हिल्स है अगर आप उनको पार कर लोगे, उनके ऊपर चढ़ जाओगे, तो आपको पूरे कौर का व्यू दिखता है, ठीक है। एंड आप वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, अगर आप ब्रिज जो रोप से जो रस्सियों से बना उसको पार कर लोगे, तो आपको एक निसर्ग धामा जो कि एक 64 एकड़ का आइलैंड है वो देखने को मिलेगा अगर आप ब्रिज को पार करोगे तो। एंड जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे ना जो कि इंडियन टिबेटन सेटलमेंट से आए थे, वो भी यहाँ के एक एरिया में जिसका क्या नाम है बायलाकुप्पा में रुके थे। एंड वो जो लोग थे वो एकदम रेड कलर की ड्रेस में देखने को मिलते थे, रेड थोड़ी ब्राउनिश सी ड्रेस में देखने को मिलते थे जिसको हम ओके कहते हैं। एंड वो उनके में येलो कलर की रोब्स भी थी, एक पट्टी सी थी जो कि येलो कलर की थी, वो इस तरीके की ड्रेस पहनते थे वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स। अच्छा, तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा कोर का जो चैप्टर है वो खत्म होता है, छोटा सा था पार्ट था इसका, ठीक है। एंड आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।